मानी बच्चों मैं सुमन निमकर आज मैं आपको कक्षा तीसरी का गणित पढ़ाऊंगी। अध्याय 15 भारतीय मुद्रा। मुद्रा को हम रुपए पैसे के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए हम मुद्रा से संबंधित सवाल बच्चों के देखते हैं। अभ्यास 15.1 नंबर 1 रुपए पैसे को अंकों में लिखिए। क 10 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ पे शब्द ये इसमें दिया गया है शब्दों में, इसको हमें किसमें लिखना है, अंक के रूप में लिखना है। तो आइए लिखते हैं 10 रुपए। तो 10 लिखते हैं पहले, एक और शून्य 10, 10 के बाद क्या लगा देंगे दशमलव, और क्या है 50 पैसे, तो 50 लिख दिए। अब ये क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, दशमलव के पहले की संख्या क्या कहलाएगी रुपए, और दशमलव के बाद की संख्या को हम क्या पढ़ेंगे पैसे। तो 10 रुपए और 50 पैसे। ख 2 रुपए 20 पैसे, इसे भी वैसे लिखेंगे, 2 रुपए हो गया, अब रुपए के बाद दशमलव लगा देंगे 20 पैसे, तो 20 लिख दिए, तो 2 रुपए और 20 पैसे। तो आज हमने अध्याय 15 में क्या पढ़ा, शब्दों को अंकों में लिखना पढ़ा। तो जैसे मैंने सवाल समझाया है